हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए जो फुल सिलेबस है उसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो BTUP के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूरा का पूरा, देखिए आपको कुल कितने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में। और आपको कितने की स्टडी करनी, कितने के प्रैक्टिकल होंगे, यहाँ पर देखिए थ्योरी एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का होगा और कितने का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वाइवा। और देखिए जो इंटरनल मार्क्स है वो आपका कितने का होगा और एक्सटर्नल मार्क्स वो आपका कितने का मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फुल डिटेल्स में एकदम हम यहाँ पर कवर करेंगे इसको सारा कुछ एकदम। देखिए कोई भी डाउट आपको माइंड में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर एक चीज़ और। देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट क्या है नए हैं अभी तक FB पेज पर ज्वाइन नहीं है वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए ताकि वहाँ से सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर सारा कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट आपको कौन कौन से स्टडी करने हैं। और आपका यहाँ पर देखिए आपका इसको देखिए आपका इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर जो मार्क्स ड्यूरेशन है, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है, यहाँ पर बोथ है, ठीक है, टोटल किया गया है इसी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। देखिए इंटरनल जो होता है वो आपका जैसे सेशनल मार्क्स होता है, ठीक है, सेशनल मार्क्स हो गया। और आपका असाइनमेंट और सेशनल मार्क्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्या आता है, जैसे आपका असाइनमेंट हो गया, आपका जो टेस्ट लिया जाता है सारा कुछ उसके अंतर्गत आपका आ जाता है। एक्सटर्नल क्या होता है, जो भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है आपका प्रैक्टिकल्स, ये आपका आ जाता है उसके अंतर्गत। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो देखिए आपका क्या है, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपको क्या समर ट्रेनिंग, ठीक है, समर ट्रेनिंग। तो समर ट्रेनिंग देखिए जो भी स्टूडेंट क्या है अभी सभी स्टूडेंट क्या है कर रहे होंगे समर ट्रेनिंग जो है। तो यहाँ पर देखिए समर ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था, एक अदर आपको अलग से वीडियो बनाया था कि यहाँ पर समर ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका 50 मार्क्स का ओनली क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और आपके जो इसमें हमने बताया था आपको कि लोअर मार्क्स जो होते हैं वो आपका कितना होता है, यहाँ पर 50 में आपको 45 जो होता है वो लोअर मार्क्स के अंतर्गत आता है, और जो आपका इसमें 56 जो होता है वो आपका हाईएस्ट मार्क्स आपका होता है। तो देखिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर देखिए। तो इसका ओनली क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इसका आपका टोटल क्या हो गया, दोनों का मिलाकर इंटरनल एक्सटर्नल आपका यहाँ पर 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्या, IMED। अब ये जो IMED है ये भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका माइंड सेटअप सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको भी आप एकदम माइंड सेटअप करके इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका IMED जो है ये पॉलीटेक्निक की सभी ब्रांचों में क्या है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में मेंशन है, सभी को स्टडी करनी है। और यहाँ पर देखिए अब हम इसके मार्क्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल आपका जो असेसमेंट होगा यहाँ पर देखिए 20, यानी कि टोटल आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 20 का होगा। आपका 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा थ्योरी आपका एग्ज़ाम जो होता है। और टोटल यानी कि इसका अगर हम बात करें एक्सटर्नल का तो आपका 50 हो गया, ठीक है। तो यानी दोनों का अगर हम जोड़ दें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को तो ये देखिए 20 और ये आपका 50, तो यानी 70 मार्क्स का आपका बोथ हो गया इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका टॉम, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो ये भी आपका क्या है, देखिए हम ये भी बताते चलेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सारा कुछ एकदम हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको जब आप पढ़ें स्टडी करें तो आप क्या करें उसको एकदम माइंड सेटअप करके आप उसकी स्टडी करें। यहाँ पर देखिए इसका जो टॉम का जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 20 मार्क्स का होता है, 50 का इसका थ्योरी एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय होता है, 50 का यानी टोटल इसका 50 हो गया। अब दोनों का अगर जोड़ दें इंटरनल एक्सटर्नल तो आपका 70 का बोथ हो गया, ठीक है, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। यहाँ पर मशीन डिजाइन यानी MD की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं आपके लिए। इन दोनों के एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर ये आपके जितने भी टॉपिक हैं आपको मिलेंगे और इनको एकदम सही से आपको समझ के चलना। सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो इन्हीं दोनों में स्टूडेंट्स की बैक लगती है।
तो आपको करना क्या है, आप देखिए जो MD है इसका अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका 20 का होता है, आपका एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 50 का होता है, वही आपका थ्योरी 50 का, ढाई घंटे समय टोटल अगर हम बात करें बोथ की तो आपका 70 का, ठीक है, तो 70 का आपका दोनों होता है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी PT जिसको बोलते हैं, इसका जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपका 20-20 यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 40 का इंटरनल होता है, और अगर हम बात करें तो 100 का इसमें क्या होता है, 100 का आपका आपका जो एक्सटर्नल होता है वो होता है, ठीक है, 50 का आपका प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पर देखिए 50 का आपका प्रैक्टिकल होगा, 50 का आपका थ्योरी होगा, टोटल ये आपका जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो आपका 100 हो गया, और टोटल इंटरनल एक्सटर्नल अगर हम दोनों को यहाँ पर ऐड करें तो आपका कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट जो है आपका वो आपका 30 का होता है, 20 और 10 को जोड़ दें तो आपका 30 हो गया, और 70 का क्या होता है, एक्सटर्नल होता है 50 और 20, तो टोटल आप अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है बोथ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है के बाद देखिए आपका क्या है, जो भी स्टूडेंट क्या है, जो अगला सब्जेक्ट है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो स्टूडेंट क्या है आप ऑटोमोबाइल से हैं, प्रोडक्शन से हैं या कैड से हैं, वो उनको स्टडी करनी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की AE की, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट क्या है वो RAC के जो RAC से स्टूडेंट हैं उनको AC पढ़ना पड़ेगा, यानी जो एयर कंडीशनिंग उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और जो स्टूडेंट क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हैं उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो वो बात करें इंटरनल असेसमेंट की तो आपका 30 मार्क्स होता है, जो कि आपका 20 और 10 होता है, ठीक है। और अगर बात करें एक्सटर्नल असेसमेंट की तो ये आपका 70 मार्क्स का होता है, टोटल अगर हम इसको जोड़ें तो आपका 100 मार्क्स हो जाता है, ठीक है, जिसमें से आपका 50 मार्क्स क्या होता है, आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ढाई घंटे का समय मिलता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है, तो इन दोनों को सभी को हमने जोड़ दिया, 100 मार्क्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर SCA का होता है, SCA के आपके 30 मार्क्स मिलते हैं, जो कि डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स गिवअप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 190 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, यानी कि सेशनल मार्क्स भी आप कह सकते हैं, ये सेशनल मार्क्स इंक्लूड है सब। और यहाँ पर देखिए 300 का क्या होता है, इसका थ्योरी एग्ज़ाम, ठीक है, जो थ्योरी एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स है वो आपका 300 जो वो आपका टोटल है, ठीक है, यानी 6 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होते हैं, तो आप 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6×5=30 यानी 300 आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। अब 140 जो है वो आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, और जो आपके 440 ये क्या है, जो जितना भी एक्सटर्नल असेसमेंट इंक्लूड है सारा कुछ ये 440 है। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो जितना भी आपका क्या है फिफ्थ सेमेस्टर का जो टोटल मार्क्स है वो आपका 360 है, 630 मार्क्स आउट ऑफ जितना भी आप मार्क्स लाते हैं वो आपका वहाँ से आपका परसेंटेज मिलता एकदम निकलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको क्या करना है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, और देखिए सभी स्टूडेंट को इसको शेयर कर दीजिए, और यहाँ पर शेयर करने के बाद देखिए आपका क्या है, जो आपकी क्लासेज हैं बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली, तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यान देंगे और इस क्लास को एकदम शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपको FB पेज पर भी ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर सारा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF देखिए आपको क्या होगा, आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी बुक्स की,